अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम नूर, कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि है लूज एब्डोमिनल स्किन, या आपका पेट लूज और उसके मसल्स लूज होते हैं। ये किन वजहों से होते हैं, इनके क्या बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आप किस तरह इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, आज हम इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिस्पाइट हैविंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल एंड अ गुड प्रोपोर्शनेट बॉडी एंड वेट, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट करता है, वो इसको टारगेट नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न जो कि ख़वातीन में होता है वो प्रेगनेंसी होता है। बहुत सारे हार्मोनल इन्फ्लक्स की वजह से, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से, प्रेगनेंसी के अपने इफ़ेक्ट्स की वजह से जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, फैट यहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है और इस सब स्ट्रेचिंग की वजह से स्किन भी स्ट्रेच्ड आउट, लूज़ और सैगी हो जाती है। अदर देन दैट, एक फैक्टर जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है वो है वेट फ्लक्चुएशन। जब कभी वेट गेन होता है, स्किन और मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, वेट लूज के बाद ये सब चीज़ें सैगी और लूज हो जाती हैं। उसके अलावा इसमें अगर कोई प्रायर सर्जरी हुई है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड अनदर फैक्टर वो हेरिडिटरी होता है, उसमें जेनेटिकली यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ हैविंग लूज एब्डोमिनल मसल, सैगी स्किन एंड फैट एक्यूमुलेशन। प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल अ सर्जिकल सोल्यूशन विच विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग एंड बेटर रिजल्ट्स। इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी, जिससे आपके एब्डोमेन का या कमर का या पेट का शेप और कंटूर बेहतर किया जाता है। जो अंडरलाइन लूज मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाता है, जो एक्सेस फैट है उसको लाइपोसक्शन के जरिए निकाला जाता है और जो भी लूज एब्डोमिनल स्किन है उसको एडजस्ट किया जाता है। दैट एट द एंड ऑफ द डे गिव्स यू द काइंड ऑफ कॉन्टोर्ड एब्डोमिनल शेप या पेट का एक बहुत फर्म गुड शेप दैट यू वॉन्ट, और वो आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट से मेंटेन नहीं कर पाते, ये सर्जरी आपको उसको अचीव करने में हेल्प करती है। इसका डाउन टाइम तकरीबन 3 to 4 weeks होता है, जिसमें यू हैव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल। कंप्रेशन गारमेंट्स एंड बैंडेजेस होते हैं, इसकी स्पेशल टाइप की जो है वो ड्रेसिंग होती है जो कि आपको करनी होती है। बट एट द एंड ऑफ 4 to 6 weeks आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं एंड इट गिव्स यू अ वेरी बूस्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इस्टीम, जिससे आप विद दिस सर्जरी यू कैन अचीव द काइंड ऑफ बॉडी दैट यू लुकिंग फॉर, द काइंड ऑफ बॉडी, प्रोपोर्शनल बॉडी दैट यू वॉन्ट। अगर आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं एंड यू लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो प्लीज कंसल्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी कैन हेल्प यू अचीव द बॉडी दैट यू लुकिंग फॉर। अब इस प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं जो कि मोस्टली खवातीन पूछती हैं। सबसे पहला चीज़ के क्या ये रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं? जी बिल्कुल, ये रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं, बट जो एक चीज़ आपके एंड पर इस रिजल्ट को और लंबे अरसे तक मेंटेन करके रख सकती है वो है आपका हेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट्री मॉडिफिकेशंस। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे, अपनी डाइट्री हैबिट्स को बेहतर बना के रखेंगे, तो आप इन रिजल्ट्स को फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा बहुत कॉमन सवाल जो इस प्रोसीजर के मुताबिक पूछा जाता है वो ये है कि क्या इसके बाद कंसेप्शन या खवातीन कंसीव कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, यू जस्ट हैव टू वेट इट आउट फॉर एटलीस्ट 1.5 to 2 years, ताकि एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आ जाए और आप उसके बाद नॉर्मली कंसीव कर सकती हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इस प्रोसीजर को तब कराइए व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली, ताकि आप एक प्रोसीजर से, एक प्रॉब्लम से जिससे गुजर रहे हैं, दोबारा उसमें ना आए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट फ्लक्चुएशन, स्ट्रेचिंग एंड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से जो स्किन स्ट्रेच आउट होती है, मसल स्ट्रेच आउट होता है, वो अगर आप सब कुछ प्रेगनेंसी के बाद या अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद अगर ये प्रोसीजर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर और लॉन्ग